यदि वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की बाध्यता है, तो कर्मचारियों को इसमें हिचक नहीं होनी चाहिए। यह शब्द मेरे नहीं हैं, यह शब्द हैं दैनिक जागरण की संपादकीय के, जिसका शीर्षक है संपत्ति का ब्यौरा। संपत्ति का ब्यौरा संपादकीय प्रकाशित हुई थी 27 सितंबर 2021 को। इस संपादकीय को पढ़कर मैं जान पाया कि अपने देश में ऐसा भी कोई कानून है जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारी अपनी संपत्ति का विवरण देने के लिए बाध्य हैं। और इस संपादकीय में यह भी लिखा गया है कि कर्मचारियों को हिचक नहीं होनी चाहिए अपनी संपत्ति का विवरण देने में। इससे मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कर्मचारियों के लिए संपत्ति का विवरण देने की बाध्यता अभी है या नहीं है। और यह पूरा संपादकीय बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के संबंध में लिखी गई है कि बिजली विभाग काफी भ्रष्ट है और पावर कॉरपोरेशन इस बात को मानता है। इसलिए पावर कॉरपोरेशन ने संपत्ति के विवरण की बाध्यता को सही कहा है। अब मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि देखा जाए कि अधिकारी जो लोग हैं बिजली विभाग के वरिष्ठ और कर्मचारी, वो अपनी संपत्ति का कितना विवरण किस कार्यालय में या किस वेबसाइट पर दे रहे हैं। इसके लिए मैंने सूचना का अधिकार का प्रयोग किया, सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6(1) के तहत आप अपने देश के किसी भी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं और उनके कार्यालय से संबंधित जानकारी पूछ सकते हैं। और इसका कोई विधिक प्रारूप नहीं है, बस सिंपली आपको अपने आवेदन पत्र में ऊपर लिखना होगा कि सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) के तहत आप आवेदन करना है और साथ ही साथ आपको 10 रुपये का सूचना शुल्क देना होगा। इस आवेदन पत्र में मैंने जो कुछ पूछा है उसमें कुल 11 बिंदु हैं। उदाहरण के लिए मैं एक दो बिंदु आपको बता दूं, जैसे कि मैंने SDO लालगंज आजमगढ़ के कार्यालय से पूछा है कि आपके कार्यालय में कुल कितने अधिकारी हैं, प्रत्येक का नाम, पद नाम और पूरा पता क्या है, प्रत्येक किस दिनांक से लालगंज में सेवारत है, प्रत्येक की संपत्ति कितनी है, संपत्ति प्रमाण की फोटोकॉपी दें। और ऐसा ही प्रश्न, ऐसे ही जानकारी कर्मचारियों के संबंध में भी मैंने आवेदन पत्र में मांगा है। मैंने यह भी पूछा है कि SDO लालगंज आजमगढ़ के कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण किस वेबसाइट पर उपलब्ध है। और यह भी साथ में मैंने पूछा कि SDO लालगंज आजमगढ़ के कार्यालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण किस कार्यालय में उपलब्ध है, पूरा पता बताएं। एक बिंदु में मैंने पूछा है कि संपत्ति का विवरण किस वेबसाइट पर उपलब्ध है और दूसरे बिंदु में मैंने पूछा है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की संपत्ति का विवरण किस कार्यालय में उपलब्ध है। हालांकि जो आप आवेदन करते हैं लोक सूचना अधिकारी के पास RTI 2005 की धारा 6 के तहत, तो नियमानुसार 30 दिनों में आपको सूचना मिल जानी चाहिए, पर मुझे तो ये सूचनाएं नहीं मिली। अगर आपने भी कभी आवेदन किया होगा तो आपको पता होगा कि सूचनाएं कितनी आसानी से मिल पाती हैं, और जब लोक सूचना अधिकारी सूचना न दे तो आपके पास यह रास्ता होता है कि आप प्रथम अपील दाखिल कर सकें। सूचना की अधिकार 2005 की धारा 19(1) के तहत
आप उस कार्यालय के प्रथम अपीली अधिकारी को एक आवेदन दे सकते हैं, प्रथम अपील कर सकते हैं, यह बताते हुए कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी ने आपको सूचनाएं नहीं दी और 30 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी नहीं दी। इसका भी कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, बस आवेदन पत्र के ऊपर आपको इतना लिखना है कि सूचना के अधिकार के तहत, सूचना के अधिकार की धारा 19(1) के तहत आप आवेदन कर रहे हैं और इस बार आपको सूचना शुल्क भी नहीं देना होता है। हाँ, इस आवेदन के साथ आपको लोक सूचना अधिकारी को दिए गए आवेदन पत्र की फोटो कॉपी लगानी होती है और प्रथम अपीलीय अधिकारी को 45 दिनों का समय दिया जाता है कि 45 दिनों में प्रथम अपीलीय अधिकारी आपको सूचनाएं दे दे। और अगर प्रथम अपील के बाद भी सूचनाएं आपको नहीं मिलती तो आप द्वितीय अपील कर सकते हैं सूचना आयोग लखनऊ में, जो सूचना के अधिकार 2005 की धारा 19(3) के तहत होता है। इसमें भी आपको लोक सूचना अधिकारी का विवरण देना होता है, प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण देना होता है और जो सूचनाएं आपने पूछी हैं वो बताना होता है, अपना पता जिस पे आप सूचना चाहते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि सूचना के अधिकार में यह बात कही गई है कि अगर 120 दिन के अंदर सूचनाएं नहीं मिलती हैं, अधूरी मिलती हैं, भ्रामक मिलती हैं या फिर झूठी मिलती हैं तो संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है। प्रतिदिन 250 रुपये के दर से, पर यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि जब आप द्वितीय अपील करते हैं, मतलब जब आप आवेदन सूचना आयोग में भेजते हैं तो जिस दिनांक को आप भेजते हैं लगभग 1 साल बाद, 1 साल बाद तो आपको नोटिस मिलती है कि आप सुनवाई हेतु सूचना आयोग में प्रस्तुत हों अपने आवेदन पत्रों की प्रति के साथ और अपनी बात बताएं कि साल या साल से अधिक बीत चुका है और लोक सूचना अधिकारी ने सूचनाएं नहीं दी। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं कई बार सूचना आयोग लखनऊ में दाखिल कर चुका हूं और 10-10, 12-12, 13-13 तारीखें मिलती हैं, तब जाके संभवतः कुछ एक मामलों में संतोषजनक सूचनाएं मिली। पूर्ण सूचनाएं तो किसी भी मामले में नहीं मिली। फिर इस कानून का क्या मतलब रह जाता है कि 120 दिन में अगर आपको सूचनाएं नहीं मिली, भ्रामक मिली, झूठी मिली या अधूरी मिली तो संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। सामान्य समय में सूचना आयोग लखनऊ में मैं देखा हूं कि एक एक सूचना आयुक्त के सामने 100 से 150 वाद होते हैं प्रतिदिन और लगभग 8-9 सूचना आयुक्त लखनऊ में बैठते हैं, हालांकि एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं पता है, पर लगभग प्रतिदिन 1,000 से अधिक मामले की सुनवाई सूचना आयोग लखनऊ में होती है। हाँ, इधर लॉकडाउन कोरोना के चलते वादों की संख्या काफी घट गई, प्रति सूचना आयुक्त को लगभग 25-30 मामले एक दिन में देखने होते हैं, तो भी अगर 9-10 सूचना आयुक्त वहां पे हैं, लखनऊ में हैं, तो 250-300 वाद प्रतिदिन देखे जा रहे हैं। प्रतिदिन 250 से 300 वाद का निस्तारण करने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन कितने लोक सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाता है? समाचार पत्रों के माध्यम से कभी कभार मुझे पता चलता है कि किसी सूचना आयुक्त ने किसी एक लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया।
कहाँ हजारों वाद प्रतिदिन सुने जाते हैं, केवल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सूचना से संबंधित, और सभी वाद में कम से कम एक साल से अधिक का समय बीत चुका होता है। जुर्माना लगाने के लिए यह वजह भी काफी है कि सूचना एक साल तक नहीं मिली, और फिर सूचना आयोग में मिलती हैं तारीखें, तारीखों का अनंतकालीन सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर आप भी अपने किसी अपने क्षेत्र के किसी कार्यालय से, किसी सरकारी कार्यालय से इस तरह की सूचनाएं चाहते हैं कि किसी अधिकारी के पास कितनी संपत्ति है, विशेषकर बिजली विभाग के अधिकारियों के संबंध में, तो आप यह आवेदन जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का एक छोटा प्रयास तो कहा ही जा सकता है। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे। धन्यवाद।